हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों पर स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। देखिए, आज मैं आपकी हिंदी लिटरेचर की बुक नलिनी का चैप्टर नंबर 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो ये देखिए, आपकी नलिनी हिंदी लिटरेचर की बुक का फ्रंट पेज। अब हम चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 पर। यह है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्राण रक्षा। इस प्राण रक्षा नामक पाठ में एक बड़ी रोचक व प्रेरणादायी कहानी है, जिसके मुख्य पात्र एक राजा व एक साधु हैं। इस कहानी को मैं आपके समक्ष अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी, वो भी इस आशा के साथ कि आप सबको ये कहानी रुचिकर लगेगी और इससे आप सब कुछ ना कुछ सीखेंगे भी अवश्य। ठीक है, तो लेखक लिखते हैं, पुराने समय में एक राजा था जो कि अपने हाथी पर बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में पड़ोसी देश के राजा ने धावा बोल दिया, अर्थात आक्रमण कर दिया। देखिए, इस वाले फर्स्ट पैराग्राफ में है ये, ठीक है, अर्थात आक्रमण कर दिया। राजा ने डटकर मुकाबला किया, किंतु लड़ाई में उसे काफ़ी चोटें लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गया और उसके समक्ष सभी सैनिक भी मारे गए और उसकी सेना समाप्त हो गई। बेचारा अकेला रह गया। अब जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से वह एक घने जंगल में पहुंच गया। अब क्या हुआ, घने जंगल में पहुंच तो गया, किंतु अब उसे वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। जंगल इतना घना था कि अगर वापस जाना चाहता था तो तब भी वो जा नहीं पा रहा था। प्यास के कारण हालत एकदम ख़राब थी, बहुत तेज़ प्यास लगी थी। आसपास काफ़ी ढूंढने पर भी कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था और प्यास के कारण उसकी जान निकली जा रही थी, इतनी तेज़ प्यास लगी थी। अब देखिए आगे क्या होता है, अगले पैराग्राफ में आगे दिया बताया गया है कि उसके बाद क्या हुआ। तभी उसे कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। उसने हाथी से उतरकर देखा, उसमें निर्मल पानी था, अर्थात स्वच्छ पानी था, किंतु कुएं में से निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ना तो उसके पास कोई लोटा था, ना कोई और बर्तन था और ना कोई रस्सी थी। तभी क्या हुआ, राजा का ध्यान अपने हाथी की पीठ पर बंधी हुई रस्सी पर गया। उसने क्या किया, रस्सी को खोला और रस्सी का एक सिरा अपनी कमर पर बांध लिया और दूसरा अपने हाथी के पैर में बांध दिया और स्वयं पानी पीने की लालसा से कुएं में उतर गया। किंतु ये क्या, रस्सी तो छोटी पड़ गई और वो पानी तक पहुंच ही नहीं पाया। उसके बाद वो जैसे तैसे कुएं की दीवारों का सहारा लेता हुआ वापस आया, बाहर आया और रस्सी को बड़ी करने के लिए उसने क्या किया, अपनी कमर में बंधा हुआ दुपट्टा खोला और उसको रस्सी के साथ जोड़ा। उसके बाद दोबारा कुएं में उतर गया, लेकिन फिर वही परेशानी दोबारा हो गई। क्या, ये रस्सी फिर भी छोटी थी। वो इस बार मुश्किल से उतरा और जाके जब पहुंचा नीचे तो उसका केवल एक पैर ही पानी तक छू पाया और जैसे ही पानी से उसके पैर का शीतल स्पर्श हुआ, उसकी प्यास और तेज़ बढ़ गई। ठंडा ठंडा पानी जब उसके पैरों से टच हुआ तो उसकी प्यास और तेज़ हो गई। उसे लगा अब तो पानी पिए बिना बाहर निकला तो वो मर ही जाएगा, जी नहीं पाएगा पानी के बिना, उसे ऐसा महसूस हुआ। तो उसे लगा फिर कुएं में गिरना क्या बुरा है, कम से कम पानी तो मिलेगा, पानी तो पीऊँगा। ये सोच कर उसने क्या किया, थर्ड पैराग्राफ में देखिए दिया हुआ है, उसने अपने हाथ की रस्सी छोड़ दी, पानी में गिर पड़ा। उसे तैरना आता था इसलिए वह डूबा तो नहीं, लेकिन पेट भर कर पानी पिया। अब प्यास बुझ जाने के बाद उसके मन में दूसरा विचार आया, अरे कुएं में कूद कर तो मैंने मूर्खता कर दी, गलती कर दी, अब थोड़ी देर पानी के बिना रहता तो क्या मर जाता। अब पानी पीने के बाद उसके ऐसा ध्यान आ रहा था, अब इस साक्षात मौत के मुँह से कैसे निकलूं? अब कुएं में गिर गया था, ना रस्सी थी अब हाथ में, कोई तरीका ही नहीं था बाहर निकलने का। तो अब उसे लग रहा था मौत के मुंह में से कैसे बाहर निकलूं, कैसे बचूं। धीरे धीरे हाथ पांव चला रहा था और पानी के ऊपर तैर रहा था, क्योंकि मरना नहीं चाहता था,
है ना, इधर लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब ये, ठीक है। अब क्या हुआ, राजा का हाथी कुएं के बाहर खड़ा था और उसे मालूम था कि उसका मालिक रस्सी पकड़कर कुएं में उतरा है, तो वफादार प्राणी था, वहीं पैर जमा कर खड़ा रहा, कहीं भी उसने वहाँ से हिलने की नहीं सोची। पास में ही एक साधु का आश्रम था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए अगले पैराग्राफ में है, यहाँ तो ये हाथी में ही खड़ा रहा। उसके बाद क्या हुआ, पास में ही एक साधु का आश्रम था। उस समय वह खाना खाने के लिए जंगल से कुछ फल आदि लेने गया हुआ था। जब सूर्य पश्चिम में झुका, मतलब जब सूर्य डूबने लगा, तब वो जंगल से फल बीन कर यानी फल लेकर वापस अपने आश्रम आ रहा था। आने के साथ ही उसने कुएं के पास एक हाथी को देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये हाथी यहाँ कहाँ से आ गया, है ना। तो हाथी को देख के वो चौंका। जब साधु कुएं के पास गया तो उसने देखा हाथी तो अकेला है और उसके आसपास कोई है भी नहीं, और साधु की तरफ बड़ी दया भरी दृष्टि से देख रहा है। तो उसने हाथी के पास जाकर और छानबीन की तो देखा कि उसके पैर में एक रस्सी बंधी हुई है जो कि कुएं में लटक रही है। जब कुएं में झांका उसने तो देखा कि एक कोई व्यक्ति है जो कि कुएं के अंदर हाथ पैर मार रहा है। तो फिर साधु ने झाँक कर जोर से कहा, भाई कौन हो, ऐसे कैसे तुम परेशान हो, उसके अंदर कैसे गिर गए, और जो भी हो धैर्य से रहो, धैर्य रखो, मैं भी तुम्हारे बाहर निकालने के लिए व्यवस्था करता हूँ। तो साधु फटाफट अपने आश्रम में गया, वहाँ से एक रस्सी लेकर आया और रस्सी के सहारे से उसने राजा को बाहर निकाला। बाहर निकलने पर राजा को जान में जान आई, उसे तसल्ली हुई कि हाय मैं बच गया। लेकिन इतना थक के चूर हो चुका था कि जीने की शक्ति, वो मतलब उसको बैठने की शक्ति भी नहीं थी, वहीं के वहीं गिरा और बेहोश हो गया। हाथी ने क्या किया, देखिए यहाँ पर देखिए, फिर हाथी कितना वफादार था, ये सब तो अभी मैंने समझाया आपको, ये हो गया। और हाथी ने क्या किया, राजा को अपनी सूंड में उठाया और साधु के पीछे पीछे उसके आश्रम तक ले आया। और साधु ने वहाँ तुरंत आकर अलाव जलाया। अलाव जानते हैं आप लोग, अलाव क्या होता है, लकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाते हैं जिससे कि गर्माहट पाई जाती है, किसी को ठंड लग रही हो या उसे गर्मी पाने के लिए इससे लकड़ी इकट्ठी करके जला के उसे अलाव बोलते हैं। राजा के शरीर को अच्छी तरह सेका, जब सिकाई मिली, गर्मी मिली तो उसको होश आया और कुछ खाने के लिए फल वगैरह दिए, फिर राजा ठीक हुआ। 3 दिन तक वो साधु के आश्रम में ही रहा। 4th दिन साधु से विदा मांगते हुए राजा बोला कि मेरी बस एक प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। राजा का आग्रह देख कर साधु इनकार नहीं कर पाया, तो उसने क्या कहा, मैं ज़रूर आपके घर एक दिन ज़रूर आऊँगा, अपना नाम व पता बता दीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ, नाम और पता जब बता उसने पूछा, तो जब राजा ने अपना परिचय दिया तो साधु को पता चला कि वो एक राजा है, है ना। जब साधु को पता चला कि वो एक राजा है, राजा ने कहा, मुझे जाने बिना भी आप मुझ पर, जाने बिना आपने मुझ पर जो उपकार किया वो कभी नहीं भूलूंगा। जब साधु उसकी हेल्प कर रहा था तो उसे थोड़ा ना पता था कि राजा है कि कौन है, उसने तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उसकी हेल्प की थी, तो और अपने घर में रखा था, अपने आश्रम में रखा था, उसे खाने पीने को दिया, उसकी सेवा करी, कोई उसके अंदर स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं था। फिर साधु उसके बाद क्या हुआ लास्ट में, देखिए फिर साधु ने एक व्यक्ति की मदद से राजा को जंगल पार करवा दिया और उसके महल तक पहुंचवा दिया। महल में 4 दिनों से राजा की चिंता कर रहे थे सब लोग, पता नहीं क्या अनिष्ट, यानी जो कि बुरी बुरी कल्पनाएं, बुरी बातें पहले आती हैं ऐसी कंडीशन में, ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर रहे थे। तो जब राजा खुशी खुशी पहुंचा तो सब देखकर एकदम प्रसन्न हो गए। कुछ महीनों बाद साधु ने क्या सोचा, चलो राजा के यहाँ हो के आता हूँ, मैंने उसे वचन दिया था तो मुझे जाना चाहिए। भिक्षा पात्र और दंड कमंडल लेकर साधु ने क्या किया, अपने आश्रम से निकला और चलते चलते राजा के राज्य में पहुंच गया।
बच्चों आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इतनी कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा मन में क्यूरियोसिटी भी हो रही होगी कि इसके बाद क्या हुआ क्या हुआ, तो आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी। यहीं पर समाप्त कर रही हूँ आज का वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।